हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडीज एंड गाइस। हमने इतने सारे सिटीज़ का वन डे टूर आपके लिए प्लान करा, लेकिन अब आ चुकी है मेरे दिल के करीब सबसे ज़्यादा जयपुर। यहाँ का वन डे ट्रिप हम आपके लिए प्लान करेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। इतने बढ़िया बढ़िया फूड जॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो शुरुआत करेंगे जयपुर के सबसे फेमस समोसे वाले से, शंकर समोसा। दिन की 5000 से ज़्यादा समोसे यहाँ बिकते हैं गाइस। भैया ये क्या क्या ऐड करते हैं हम आलू के मसाले में? लहसुन है, बेसन है, प्याज है। अच्छा, और यहाँ पे जो मैंने पता करा भैया, कितने समोसे आप एक बार में डाल देते हैं? कितने समोसे आ जाते हैं? 200 लगभग। अच्छा, 200 लगभग। तो समोसे अपने नियरली रेडी हो चुके हैं, अपने गोल्डन कलर पकड़ चुके हैं। ऑर्डर से यहाँ पे आ रहे हैं 30 समोसे के, 40 समोसे के सीधा। और भाई ये देखिए, 150 से 200 कचौड़ियाँ हैं जो रेडी हो चुकी हैं। ये सर सर्व किस साथ होते हैं? चटनी के साथ या सब्जी के? चटनी के साथ होती है। ठीक है, अंदर प्याज की स्टफिंग देखो भाई, एक बारी प्याज है और आलू का मसाला वगैरह भी है। भर भर के स्टफिंग है पूरी अच्छे तरीके से, हर बाइट में आपको दबा के प्याज फील होने वाला है। गर्मा गर्म समोसे, इतना गर्मा कि जो अंदर का मसाला है वो भी लिक्विड सा फॉर्म में है थोड़ा। क्रंची पापड़ी, और मुझे पर्सनली आलू के मसाले से ज़्यादा उसकी पापड़ी अच्छी लगती है। एक जैसे कि आपको पता है कि समोसे के अंदर क्या क्या डालता है, तो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, एक बढ़िया समोसे की तरह टेस्ट दे रहा है। और भाई समोसे के साथ अगर लस्सी मिल जाए तो मज़ा हो जाता है डबल, इसलिए हम आ चुके हैं MI रोड पे लस्सी वाले के पास। गाइस मैं बताऊं तो अंदर मेरे ख्याल से 100 परात रखी है, उससे ऊपर भी हो सकती है। सर दही भी देते हैं क्या सर? ठीक है, तो दही और लस्सी दोनों आप ले सकते हैं। बढ़िया, ये छोटा ग्लास रहेगा और ऊपर से मलाई दबा के। अच्छा, कस्टमर से यहाँ पे एक्स्ट्रा मलाई ले रहे हैं ये मैं देख रहा हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। पहले आ गई हमारी मलाई, बहुत ही क्रीमी पतली सी लेयर है, दिखने में जंबो ग्लास है, लेकिन जब आप इसको अपने मुंह से लगाएंगे ना, यकीन मानिए आधा ग्लास जब तक ख़त्म नहीं होगा ना, आप अलग नहीं करेंगे। बहुत टेस्टी लस्सी है। इसके बाद आपको काफ़ी हेल्दी चाट हम खिलवाने वाले हैं, कलकत्ता चाट भंडार की। चलिए यहाँ पे चलते हैं। और गाइस ये पंडित जी की दही है, तो ये क्या दही में कुछ पानी वानी भी ऐड करते हैं सर? नहीं, पानी तो नहीं, आज गर्म संयोग से ये पतला ही जम गया, गर्म दूध में जाम दे दिया, इसलिए निगाढ़ा रहता है खूब। अच्छा, और ये भी सुना है कि भाई भारत का सबसे बड़ा दही बड़ा है ये, और इसको खाने के बाद कुछ और खाना मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल आदमी के लिए एक दही बड़ा काफ़ी है। अच्छा, ये मसाले आ गए। हाँ, ये मसाले आ गए, फिर ये छोले की चटनी आ गई। ठीक है, और ये पंड खजूर की मीठी चटनी आ गई सर। अच्छा, डाबर के चम्मच। हाँ, और ये आ गया ग्रीन चटनी, धनिया पुदीने कच्चे नारियल की चटनी है सर। और ये मिर्ची FM 2025 लहसुन की चटनी है सर। ये क्या बात है दादा, काफ़ी डिफरेंट है। जब हम दही बड़ा नॉर्मली खाते हैं दिल्ली में, स्पॉन्जी रहता है, और मेजर इतना जो टेस्ट आता है वो चटनी और दही का आता है उसमें। इधर क्या कि दही बड़ा का अपना टेस्ट है, तो इसमें जो मसाले ऐड करेंगे ना दही बड़ा का, तो उसका अपना टेस्ट है, बाकी फिर दही चटनी का भी टेस्ट उसमें ऐड ऑन हो रहा है। भाई भैया की स्पीड देखो आप एक बारी। क्या बात है। अच्छा, इन्होंने कहा मल्टीग्रेन बैटर है आपका, इसमें क्या क्या रहता है? इसमें बाबू जी 70% मूंग की दाल होती है, और 20% मूंग की, उड़द की, मसूर की, और ढांचा की, कई तरह की दालें होती हैं। अच्छा जी, और 10% ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। अच्छा, सही है, लजीज रहता है। हाँ सर, देख ही रहे काफी। थाली आ चुकी है, पंचामृत थाली सर ने इसको नाम दिया। 100 रुपीज की पूरी है ये, और आप देख सकते हैं भाई मुझे बहुत बढ़िया लग रही है दिखने में। मल्टीग्रेन रहेगा आटा, तो थोड़ा सा जैसे कि दिल्ली में आप बिल्कुल ही चने की दाल का होता तो प्लेन रहता है, या थोड़ा सा आपको दिखेगा ऊपर नीचे सरफेसेस की। स्टार्ट करते हैं छोले की चटनी के साथ। इतनी सारी चीज़ें डली हुई है कि कुछ भी आप खाते हैं तो आपका पेट भरा हुआ लगेगा। आपको एक प्लेट ख़त्म कर दो, उसके बाद दूसरी चीज़ आप नहीं ले पाएंगे। मल्टीग्रेन है, ये भी हैवी है, बड़ा भी थोड़ा हैवी था।
बट टेस्टी बहुत ज़्यादा। और अगर आप हवा महल घूम रहे हैं तो पास में प्रजीत चाट भंडार को बिल्कुल मत भूलिएगा, इनकी चाट बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे जयपुर में। देखिए भाई बड़ी टेम्पटिंग लग रही है, बड़ी करारी सी लग रही है, ये देखिए ड्राई फ्रूट्स भी है, काजू भी आपको दिख सकते हैं, क्या बात है, ये देखिए। और ये मुझे क्यों लग रहा है जो आपकी चम्मच है लकड़ी वाली, ये भी काफ़ी पुरानी है, ये तो हमारा बिल्कुल प्रोफेशनल है, ये लकड़ी की चम्मच ही हम चटनियाँ डालते हैं। अच्छा अच्छा, पतली हो जाए और अच्छे से पके, एक रीज़न तो ये भी रहता है इसका। ठीक है तो चलिए लेते हैं अपना आइटम्स और फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं। ये आगे टिक्की क्रश कर दिया सर ने और गर्मा गर्म थी भाई, वैसे आदत पड़ जाती है वरना अपने लिए तो काफ़ी हार्ड काम है कि गर्म गर्म टिक्की को क्रश करना, फिर आगे छोले। ये देखिए गर्मा गर्म टिक्की है, कुरकुरे की तरह क्रिस्पी है सच में, मतलब इतनी क्रिस्पी टिक्की अलग लेवल की, खाने में इतना मज़ा आ रहा है इसको। सर आपकी मीठी चटनी बहुत बढ़िया लगी है, मज़ा आ गया खा के, दही दही होता है, ये हमारा घर का जमा हुआ होता है। अच्छा, एकदम मीठा मिलेगा आपको दही, और जगह खाओगे आप खट्टा मिलेगा, लेकिन इस जगह आपको मीठा और एकदम गाढ़ा दही मिलेगा। अच्छा, तो चलिए भाई अपनी प्लेट आ चुकी है भरवा गोलगप्पे की, इसको ट्राई करते हैं, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है यार। ये देखिए, और ये जो हमने गोलगप्पे खाए हैं इसका प्राइस है 30 रुपीज़, इसके 5 पीस है। रेट्स के मामले में मुझे सारी चीज़ें बढ़िया लगी है क्योंकि मुझे है ना क्वालिटी फील हो रही है, और टेस्ट तो यार कमाल लगा, मतलब ये मैं कहूँगा कि जयपुर की मेरी सबसे बढ़िया दुकान रहेगी जो जो मैंने कवर करी है उसमें से। और इसके बाद हम चलते हैं शायद जयपुर की सबसे अमीर कचौड़ी वाले के पास, रावत कचौड़ी वाले के पास। इसकी प्यास, और अगर आप इनकी मावे की कचौड़ी खाएंगे ना आप दीवाने हो जाएंगे इस जगह के। आज हम आए हैं जयपुर की सबसे फेमस कचौड़ी की दुकान पे, एक रेस्टोरेंट है बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, और भाई यहाँ पे ना 20,000+ कचौड़ी रोज की बिकती है, इतनी ज़्यादा कचौड़ी शायद पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं बिकती होंगी। और यहाँ पे भाई आलू का मसाला आप देख सकते हैं, ये आलू प्याज वाली है ना, प्याज वाली है, ठीक है, ये भैया बॉल बना रहे हैं ताकि सीधा ये आपकी कचौड़ी के अंदर जा सके। सो गाइस यहाँ पर बन रही है प्याज की कचौड़ियाँ, आप देख सकते हैं मसाले में क्या क्या डाले, आलू है, प्याज है, आलू प्याज रहता है, ठीक है, और ये थोड़े मसाले हो गए होंगे आपके, है ना। गर्मा गर्म कचौड़ी, कचौड़ी है या पूड़ी है, दिखने में पूड़ी लग रही है भाई, भाई कचौड़ा लग रहा है सच में, ये मुनीश भाई के वहाँ पे कचौड़ा बोलते हैं इसको ना, बड़े साइज़ की जो होती है थोड़ी। तो भाई कचौड़ी अपनी हो चुकी है पूरी रेडी, ये देखिए कचौड़ी है या कचौड़ा है, आप देखो एक बार साइज़ देखो, तो प्याज कचौड़ी अपनी रेडी है, और भाई यहाँ पे हो चुकी है तगड़े वाली लड़ाई। ये देखिए मसाला बन रहा है और अलग ही तरीके से बन रहा है, गर्मा गर्म मसाला देखो एक बारी, आपको डेफिनेटली यार एक बार तो विजिट करना चाहिए, जयपुर में आओ ना, जरा मावा कचौड़ी पे भी आए क्योंकि हमें मीठा बहुत पसंद है, और आई होप आपको भी हो। ये देखो देसी घी भी है, आप बताएं आपको ये फूड कैसा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत टेस्टी है। और दोस्तों अगर आपको तीखा पसंद है ना, तो भाई मैंने पूरे भारत में इससे ज़्यादा तीखे गोलगप्पे कहीं नहीं खाए, SP DSP गोलगप्पे, इनको आप अलग ही पहचान जाएंगे जब यहाँ पे आएंगे। तो भाई भैया को एक गोलाई में घेर लिया है जो यहाँ के फैंस हैं, और ये देखिए भैया का स्टाइल ही अलग है यार, मतलब हाथ चलेगा पैर भी चलेगा साथ में, और ये देखिए भाई ये पूरा बन रहा है, जी की लास्ट वाली पापड़ी होती है, ये मीठा पत्ता है, मीठा पत्ता है ये आखिरी में, अभी ऊपर से बुलाएंगे देखना, अभी वहाँ से आएगा। अच्छा पैर में कुछ मतलब स्टाइल स्टाइल है, अच्छा वैसे तो ठीक है ना पैर वगैरह, अच्छा वे तो सही है, और ये ऊपर से मसाले, ये क्या डाल रहे हैं, सब मसाले मसाले जो कम तीखा खाते हैं उसको ये भी तीखा लग सकता है। अच्छा एक SP वाला देना भैया, SP है, ठीक है। और यार एक ये देखिए पताशे का साइज़ भी देखिए आप एक बारी, काफ़ी बड़ा साइज़ है, देखते हैं क्या होने वाला है, नॉर्मल दे दो, नहीं यार
एसपी खाओगे ना कान से आपके धुआं निकलने लग जाएगा। सुनो इनकी मीठी खाना, मीठी वाली मुझे लग नहीं रहा डीएसपी में ट्राई करता हूँ वहाँ पे। अच्छा कभी जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, चैलेंज करते हैं डीएसपी खाने का। लोग अभी जो भी एसपी खा रहा था ना उनकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। तो डीएसपी खाते हैं यहाँ पे वैसे? डीएसपी कोई खाते हैं? कम ही खाते होंगे लोग, है ना भैया? आपने बताया कि लाल मिर्च चूज़ नहीं करते हैं, ये लौंगी मिर्च चूज़ करते हैं। लौंगी मिर्ची होती है। अच्छा, कि उसकी एक चुटकी भी मतलब एक दाना भी बहुत बहुत स्पाइसी होता है। अच्छा, और आपने कहा था कि शायद बाहर वालों को टेस्ट समझना है, लेकिन जहाँ की लोकल है वो पागल है। पागल है यहाँ के लोग। अच्छा। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी थोड़ा टाइम पहले देखते ना आप तो यहाँ कम से कम आधे घंटे तक वेटिंग भी करना पड़ता है। अच्छा, और फिर डिनर करने के लिए हम आ चुके हैं राधे श्याम जी के पास। इनका पनीर टिक्का कितना कमाल का है, मैंने इससे टेस्टी पनीर की आइटम आज तक नहीं खाई। तो गाइस यहाँ पे बनने जा रहा है अपना पनीर टिक्का, है ना सर? ठीक है, आपने ऑयल डाल दिया, रिफाइंड ऑयल? ठीक है। ये अदरक है? ये लहसुन। लहसुन है? गार्लिक। तो पहले ऑयल डाला, अब ये गार्लिक आ गया ऊपर, फिर जिंजर। जिंजर, फिर ग्रीन चिल्ली। ठीक है, फिर ऑनियन। ओके, ओहो भाई थोड़ा पीछे हो जाते हैं। अच्छा, ये जो आइटम रहेगा, एक तो आपका है जो पनीर नॉर्मल है मसाले वाला तंदूरी, ये उसको ग्रेवी में बना देंगे आप? नहीं, ये अलग ही होता है, ये अलग ही रहता है, इंडियन और चाइनीज का टेस्ट होता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, सही है ये। ओ वो भाई ये तो यार अलग लेवल है यार, मैं अगर एक सेकंड और लेट होता तो शायद टोपी चल जाती। ग्रेवी आ चुकी है। अच्छा, ग्रेवी में क्या क्या, ये किस चीज़ की ग्रेवी है? ये है अपने प्याज टमाटर काजू मगज। अच्छे, तैयार की जाती है पहले। फिर इसके बाद में अपन डालेंगे ब्रोकली मशरूम, फिर नमक, फिर टेस्टिंग पाउडर, काली मिर्ची, वाइट पेपर। ठीक है, इसके बाद में रेड चिल्ली। ओके, इसके बाद में सोया सॉस, इसके बाद में विनेगर, इसके बाद में अपन लेंगे पनीर। ठीक है, तो पनीर टिक्का बनाओ। ये अपन ने लिया पनीर, अब उसको अपन मैरिनेट करेंगे अच्छे से। अच्छा, पकाएंगे इसको। ये अपनी रेड चिल्ली सॉस अपनी खुद की हाथ की बनाई हुई। यार अब तो आपके पास खड़े होने से डर लग रहा है मेरे को ना कहीं दोबारा इतनी फ्लेम निकाल दो। नहीं नहीं, आप नहीं आएगी, नहीं आएगी। अच्छा, ये आपका पनीर टकाटक रेडी है? रेडी है सर। ठीक है, ग्रेवी वाले तो ये सर्व किस साथ रहेगा, ऐसे ही खाएंगे कुछ? नहीं, रोटी नहीं, है नान इसके, इसके साथ में रुमाली रोटी। रुमाली रोटी, आइए जरा टेस्ट करते हैं। ये जो रेस्टोरेंट है ये अपने पनीर के डिशेस के लिए बहुत फेमस है, हालांकि और भी आइटम्स हैं लेकिन मेन जो है ना इनका पनीर है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, ग्रेवी से आपको जैसी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ना बिल्कुल वैसी ग्रेवी है। टैंगी है, हल्की सी स्पाइसी है, एक स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा है। जयपुर में काफ़ी चीज़ें फेमस है, उनमें से एक नाम है गुलाब जी चाय वाले का। इनकी चाय पीजिए और आपको मज़ा आ जाएगा इनकी चाय पीकर। अगर आप चाय के दीवाने हैं तो इस जगह को मिस बिल्कुल मत करिएगा। ये केसर है, ठीक है, और ये केतली भी काफ़ी पुरानी लग रही है सर। हाँ, केतली पुरानी। अच्छा, बड़ी प्यारी सी केतली है। देखिए भाई, दूध इधर, एक अजमेर है। ओके, और भाई ये देखिए गर्मा गर्म खोलती हुई चाय। और तंदूरी आपने कब स्टार्ट करी है? तंदूरी 2018 में। 2018 में ही है, ठीक है। और अब ये सबसे ज़्यादा यही चल रही है आपकी तंदूरी वाली? अभी हमारे जो जयपुर जो भी आता है ना, हाँ जी, तंदूरी चाय पिए बिना नहीं जाता। अच्छा, 50 रुपीज़ का ये है, कुल्हड़ है और गुलाब जी की है। जयपुर में ना मतलब चाय का जो नाम है ना इनकी वजह से सबसे ज़्यादा फेमस है गुलाब जी चाय वाले। आइए ट्राई करें। छोटी सी चुस्की में भी ना केसर का फ्लेवर मेजर आ रहा है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वन डे टूर ऑफ हमारा जयपुर का? ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ के टूर आपके लाते रहेंगे, आपके लिए प्लानिंग करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें।